मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो आज हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हैं और कल जो बारिश हुई थी वो जो मध्य भारत में, खास करके जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर, चित्तौड़गढ़ है, उसके आसपास के इलाकों में काफी तेज बारिश की गतिविधियां हुई थी, और अशोकनगर है, अकोला है, और उसके आसपास के जो इलाके हैं गुना वगैरह, नीमच वगैरह, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां थी, और तेलंगाना में ओला वृष्टि भी देखने को मिली थी दो दिन पहले, और तेलंगाना में भारी बारिश हुई है। और ये जो सारा वो जो वेदर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है, और जैसे कि हमें पहले उम्मीद थी कि राजस्थान और जो उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी लेट बारिश शुरू होगी, लेकिन वो कल से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई, अब धीरे धीरे बढ़ेंगी। और आप देखिए, ये कल का जो पिक्चर है इसमें आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है पूरे इलाके में, और मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए हैं। और उसी तरह से अगर और हम दक्षिण की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि ये, चलो वो थोड़ा सा मैप हट गया है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो वेदर सिस्टम देख लेते हैं पहले, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंचा हुआ है, और अब बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व इजाफा होने वाला है। और हम देखेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश के कई भागों में तेज बारिश होगी, ऊंचे पहाड़ों पर फिर से हिमपात हो सकता है, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी और ऊंचे पहाड़ों पर यहां पर भी हिमपात होगा जो अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। उसके बाद भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़े से कमजोर रहेंगे, लेकिन एक के बाद एक आते रहेंगे, और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये मई के पहले सप्ताह तक आते रहेंगे, और ये एक तरह से अनयूजुअल वेदर फेनोमेना है। यूजली क्या होता है कि अप्रैल के एंड में जाके जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक जो इनकी इंटेंसिटी होती है पश्चिमी विक्षोभ की वो ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जो सूरज है वो भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, तो सारे वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तजाकिस्तान और चाइना, रशिया, इन सब इलाकों में पहुंच जाते हैं, और उनका प्रभाव पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है। लेकिन अभी भी इस बार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उलटफेर देखा है कि दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए, जनवरी में आए, फरवरी में फिर गायब हो गए, मार्च के सेकेंड हाफ में आए, अप्रैल के शुरुआती दौर में आके फिर से कमजोर पड़ गया, फिर आए हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं कि इस बार का जो पैटर्न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है और अनप्रडिक्टेबल रहा है। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए सेंट्रल पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान पर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये है आपका साउथ मध्य प्रदेश और विदर्भ के आसपास, और जो ट्रफ रेखा है वो तेलंगाना से होती हुई और ये आंध्र प्रदेश से होती तमिलनाडु तक जा रही है। तो ये सारे वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो इनका ही प्रभाव है जो सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में और साउथ ईस्ट राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां शुरू हुई हैं, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां और गरज चमक के साथ बौछारें शुरू हो चुकी हैं। गुजरात में अभी हालांकि वेदर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन इसमें समय लगेगा, दो दिनों के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मौसमी गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस गुजरात में नहीं लग रहे, खास करके जो सौराष्ट्र कच्छ है वो इलाके थोड़े से कमजोर रहेंगे, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं उसमें बारिश ज़्यादा रहेगी। तो पहले उत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं। जैसे हमने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव लगातार रहने वाला है, और अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने में अभी समय तो है, लेकिन यह है कि बादल आना शुरू हो गए हैं और मेघ गर्जना और हल्की फुल्की बौछारें, कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, और धीरे धीरे ये जो वेदर एक्टिविटी 28 तारीख से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कल से परसों से बढ़ेगी, और उसके बाद ये लगातार जारी रहेगी। ऐसा नहीं है लगातार का मतलब ये नहीं कि सुबह से शुरू हुई और शाम तक या रात तक होती रही, ये इस तरह से होगी कि सुबह के समय होती है, फोरनून तक होती है, उसके बाद थोड़ा गैप आता है और फिर आफ्टरनून इवनिंग में फिर से शुरू हो जाती है, जो प्री मानसून का यूजुअल वेदर पैटर्न है। तो ये इस तरह से मौसमी गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा और उत्तरी राजस्थान में दिखाई देने वाली हैं, पूरे सप्ताह रहेंगी, और बाकी जो राजस्थान है यहाँ पर भी जो मौसमी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज होने वाली हैं, और ये जो इसमें क्या होगा कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा कि जैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर बहुत तेज मूसलाधार बारिश कुछ देर के लिए हो सकती है और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होगी, या खंड वर्षा जिसको कहते हैं, कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं थोड़ी देर के लिए और कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, तो ये पैची रेन होगी, जैसे आपने बादल देखे थे अभी कि टुकड़ों में बने रहेंगे और वो मूविंग रहेंगे, पासिंग रेन इस तरह से रहेगी, लगातार पूरे दिन जो झड़ी लगती है उस तरह की झड़ी अभी नहीं रहेगी, प्री मानसून में इस तरह की बारिश नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके कवर रहेंगे
और उत्तर प्रदेश के पूर्वी, जैसे अगर यहाँ से बात करें पूरे इलाके की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसमें अगले दो दिनों तक 27 या 28 तारीख तक बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पर वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी दो तीन दिन की यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। बारिश होती रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बादल छाएंगे, हल्के फुल्के बौछारें कहीं कहीं पर रहेंगी, तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का वेदर पूर्वी भारत में रहेगा। और छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज़ बारिश है, कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है, खास करके सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश कम है, जो दो या तीन दिन बाद बढ़ेगी। अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऊपरी जो इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी राज्य के, वहां पर ज्यादा रहने वाली है। और ये जो छत्तीसगढ़ है और साउथ ओडिशा है, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तेलंगाना के खास करके जो कर्नाटक और विदर्भ से लगे हुए इलाके हैं, आदिलाबाद, निजामाबाद, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, ओले भी गिर सकते हैं। लेकिन जो ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम रहने वाली हैं, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगी, दो दिनों के बाद बढ़ सकती है। अभी जो बारिश की गतिविधियाँ थी, आपने देखा था कि जो तमिलनाडु और केरल में तो हो रही है, अंदरूनी तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कोस्टल तमिलनाडु में हल्की ही रहेंगी, रायलसीमा में और इंटीरियर कर्नाटका में भी अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश होगी। केवल जो मुंबई से लेकर के गोवा तक के जो इलाके हैं, इन इलाकों में यानी पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियाँ कम रहेंगी, कोस्टल कर्नाटका में भी कम रहेंगी, उत्तरी केरला में कम रहेंगी, लेकिन दक्षिण केरल के साथ साथ अंदरूनी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। बीच बीच में ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, बिजली भी चमक सकती है और गिर सकती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी इन पूरे राज्यों में दिखाई देगी। जैसे कि हमने कहा कि जो सौराष्ट्र का कच्छ है, जैसे कि भुज, नलिया, द्वारका, ओखा, पोरबंदर, इन इलाकों में थोड़ी बारिश कम होगी, बाकी इलाकों में ज़्यादा होगी। तो पश्चिमी तट पर थोड़ा सा कम रहेगी, और उसी तरह से जो कोस्टल तमिलनाडु है, इस इलाके में थोड़ी कम रहेगी, बाकी पूरे भारत में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। और जैसे कि सेकेंड हाफ ऑफ मार्च हमने देखा था कि लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, उसी तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस बार भी हमें दिखाई देने वाली हैं। और हालांकि उस समय फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, अब ज़्यादातर राज्यों में क्या है, फसल कट चुकी है और हार्वेस्टिंग हो गई है, इसीलिए फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर अभी भी फसल तैयार है कटने के लिए, वहाँ पर नुकसान की आशंका नज़र आ रही है। क्योंकि जो मई का पहला सप्ताह है, तब तक के लिए बारिश की गतिविधियाँ रुकेंगी नहीं, लगातार होती रहेंगी, तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगी, ओले भी गिरेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका खेत खाली है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस जगह पर बारिश हो, गिरे, ओले गिरे, हवा चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ज़मीन है उसमें नमी तो बरकरार रहेगी, जो आगामी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और जैसे कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अगर प्री मानसून बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो मानसून आने में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो मानसून का ये तो है कि जब हीट लो बन जाता है सेंट्रल इंडिया में, तो क्या होता है कि हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो हवाएं उस वैक्यूम को भरने के लिए तेजी से आती हैं, यानी कि मानसून का जो वेग है वो तेज हो जाता है। लेकिन केवल यही एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि अभी मई का महीना गर्म रहने वाला है, तो ये एक अकेला फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे और दूसरे फैक्टर भी हैं जो मानसून को प्रभावित करते हैं, तो उनके बारे में हम लगातार डिस्कस करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।